ढेर सारी शुभकामनाएं भी देना चाहता हूं और भगवान से ये प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप सभी के घर में इस वर्ष खूब सारा विद्या धन और समृद्धि का भंडार हो। मैं भगवान से ये कामना करता हूं। थोड़ी देर पहले नंदकिशोर बाबा जो बात रखे उनकी बात से सहमत हूं कि आज कई वर्षों बाद ऐसा एक माहौल देखने को बोलमुड़ी इकाई को मिला है। निश्चित रूप से हमारे इकाई के जो पदाधिकारी है किसी कारणवश हमारे बचाओ के व्यक्तिगत कुछ कारण था उसमें व्यस्त रहे, समय नहीं दे सके थे और कोरोना काल भी था। लेकिन जहाँ तक हमारी जानकारी है कि हमारे जो पदाधिकारी है बहुत ही सजग बहुत ही भरपूर परिस्थिति है ऐसे कार्यक्रम को लेने के लिए, ऐसे कार्यक्रम को आयोजन करने के लिए। और थोड़ी देर पहले उदय जी कुछ सुना रहे थे, ऐसा नहीं है, मैं तो व्यक्तिगत एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, इतने शब्दों में सीखता हूँ, विशेष रूप से गोलमुई मंडल के लिए नहीं, हमारे कुल दर्शन को मुझे कहीं कहीं किसी न किसी कार्यक्रम से मैं कभी जगह दिख जाता हूँ। इनका विशेषता है कि बड़ा प्रभाव उसके डाले हैं, इनका बड़ा सुना है। तो आज जो जो देखने मिल रहा है हमारी इकाई के एक इकाई का एक मजबूती दिख रहा है और इकाई के हमारे माताएं पहले पहुंची है। सबसे पहले आप सबों को मैं इसके लिए आपको हार्दिक बधाई देना चाहता हूं कि आपने अपनी कमेटी के प्रति इतना आस्था दिखाया है, इतना आभार किया है आपने। और स्थापना से लेकर अभी तक कुछ चर्चाएं बीच में होती रहती है कि संस्था ने किया क्या। आज से दस दिन पहले कहीं हम बैठे थे तो हमारे बहुत करीबी लोग बोलते हैं कि आप लोगों ने किया क्या। तो भाई ये जो भीड़ है यही किए हम लोग। आज इससे पहले कभी नहीं देखने को मिलता था कि राजपूत समाज क्षत्रिय समाज कहीं इकट्ठा हो रहे हैं, क्योंकि हम लोगों में इतना ईगो है, ईगो से हम लोग भागते हैं, हम किसी दूसरे को अपना बड़ा नहीं समझते हैं। लेकिन यही एक संस्था है, यही देश में बैठे सभी लोग हैं, ये रोज सोचते हैं कि मेरा पद कोई और नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी का पिछला 3-4 साल से ये चर्चा हो रहा है कि भाई हम बहुत काम कर लिए हैं और किसी को जिम्मेदारी दिया जाए। पिछला 5 साल से नंद किशोर बाबू बोल रहे हैं कि हमको जिम्मेदारी मुक्त किया जाए क्योंकि हमको और भी काम करना है, इनका देश प्रदेश में बहुत ज्यादा इनका काम है। तो लोग पद के लिए यहाँ नहीं बैठते हैं, इनकी पद से कोई जुड़ाव नहीं है, इनका है कि और लोगों को मौका मिलना चाहिए। जो हमारे समाज में लोग हैं, अग्रणी लोग हैं, सबको मौका मिलना चाहिए सामाजिक काम करने के लिए, धार्मिक काम करने के लिए, संगठन को चलाने के लिए। तो ऐसा जो लोग बोलते हैं उनको ये जरूर बताना चाहेंगे कि पद के लिए लोग यहाँ नहीं बैठे हैं, जो भी लोग हैं सबको पद से सुशोभित है, कहीं ना कहीं और भी संस्था में सुशोभित है। तो और ये क्या का मतलब नहीं होता है कि हम कोई पोस्टर बैनर लगा के क्या दिखाएंगे, हम क्या कर रहे हैं, लेकिन हमको सब जहाँ तक जानकारी है आज हमारे गैस में बैठे हुए तंदुरुस्त भी है, उनके यहाँ सुबह जाइए सुबह से शाम तक एक भीड़ लगे रहती है। तो एक बैनर है, पीछे बैनर है झारखंड क्षत्रिय संघ, आज समूह लिया गया 12 बजे के बाद ऑफिस लग जाता है और नंद किशोर बाबू के यहाँ लगे रहता है बैठे हुए हमारे अनूप जी उनके यहाँ। तो व्यक्तिगत स्तर पर सभी लोग अपने संस्था के अपने जो भी सदस्य है उनके लिए कुछ न कुछ इकाई हो, थोड़ा ही क्यों ना हो, लेकिन वो लोग उसके पीछे लगे रहते हैं। इसका मेन उद्देश्य है, मेन बैनर है झारखंड क्षत्रिय संघ। तो वो बैनर हम कोई एक्सपेरिमेंट करके नहीं करते हैं कि हम किसी को मदद कर रहे हैं, किसी कोई सामाजिक कार्य में हम लोग हिस्सा पढ़ा रहे हैं, वो कोई हम लोग एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं। लेकिन इसका रूट बहुत अंदर तक है, इसका जड़ बहुत अंदर तक गया हुआ है और ये जड़ इतना मजबूत है कि किसी थोड़ा बहुत किसी को थोड़े से ये भी नहीं सकता है। मेरा आप सबों से इतना बड़ा भीड़ आग्रह ही रहेगा कि आप सभी आज जो मिले हैं 5-5 संख्या के लोग मिले, जरूर मिले हैं, 5 परिवार मिले, 2 परिवार मिले महीना में, लेकिन मिले हैं। निरंतर मिलने से संगठन मजबूत होता है। ये जरूरी नहीं है कि हम मीटिंग पार्टी करें, मजबूत करें या बड़ा कार्यक्रम करें तभी मिले, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज 5 परिवार बैठे, कल 10 परिवार बैठे, सिर्फ चर्चा करें। जरूरी नहीं है कि आप झारखंड क्षेत्रीय संघ की चर्चा करें, जरूरी नहीं है कि आप राजपूत का ही चर्चा करें,
देश विदेश की चर्चा करें, पांच परिवार साथ में बैठे, देखिए संगठन कितना मजबूत होगा। देखिए की क्या आवश्यकता पड़ गया, हमको आवश्यकता क्यों पड़ गया कि हम झारखंड क्षेत्रीय संघ या नागपुर संघ की स्थापना किए और उसको मजबूती से आगे बढ़ाने की बात है। परिस्थिति आप देख रहे हैं, माताओं बहनों जी के हमारे मित्र बंधु यहाँ आए हुए हैं। झारखंड में हम लोगों की जाति के ऊपर में नीला गंदी नीला सबसे ज्यादा है। ये बात आप महसूस कर रहे हैं कि नहीं कह, हमें नहीं मालूम है, लेकिन सभी लोगों का एक निगाह इस जाति पर लगा हुआ है। ये बढ़े नहीं, ये मिले नहीं, इनका संगठन मजबूत नहीं हो। देखिए आज हमारी परिस्थिति क्या, पूरे प्रदेश में इन चीज के एक राजनीतिक नेता आपको सामने दिखेगी। राय भाई, पूरे प्रदेश में हम लोगों की संख्या बहुत बढ़ी है, मजबूत है, सब चीज में मजबूत है, तो हमारी स्थिति कहाँ है यार? हम अभी आज भी देखिए 1% पे भी नहीं हो। अगर आप आग्रह करेंगे 1% पे आज हम नहीं है, राजनीतिक स्थिति तो नहीं है। क्यों नहीं है कि हम संगठित नहीं है। देखिए हमारा संगठन मजबूत रहेगा, हम भोकल हैं, हमारे सभी बच्चे लोग भोकल हैं, बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, अपनी अपनी बात को रख सकते हैं, लेकिन आपको उनके पीछे रहना होगा। ऐसे जो लोग बैठे हुए हैं जो हमारे समाज में और लोग हैं, सभी लोग उनको पीछे आपको रहना होगा। आप पीछे रहेंगे, संगठन मजबूत होगा, तभी आपके जो अग्रज है, आपके जो नेता है या आपके जो भी लोग हैं वो बोल सकेंगे, समाज की बातों को रख सकेंगे, अपनी मांगों को रख सकेंगे। आज हम लोग टिकू हो गए। आज परिस्थिति देखिए क्या होगा, 32 का खतिया लग रहा होगा, हम रहे 4 पुष्प पे है लेकिन खतिया 32 का आना है। हमारा आज काफी पहले एक स्टेटमेंट आया था कोई मंत्री का कि भाई अब हमारे यहाँ थर्ड फोर्थ ग्रेड में हम लोगों की बहाली नहीं होगी, एकदम क्लियर शब्द में दिखाया जा रहा है कि बहाली नहीं होगी। ऐसा कितना उदाहरण आपको एक मंच पे बोला जाएगा तो घंटों बोला जाएगा। मेरा कहना यही है कि हम तो प्यार से अलग होके झारखंड में आ गए, तो क्या आपने तो हम सिर्फ प्यार ही मानेंगे? हम लोग झारखंडी हैं, हम यहाँ पर है, हमारा दो तीन तीन पुष्प पार हो गया है, हम झारखंडी यहाँ पे है। हमको हक मांगना होगा, हक नहीं मिलेगा तो हक को छीनना होगा और उसी परिस्थिति पैदा करना होगा। आप सभी समझा रहे हो कि आप अपने संगठन को मजबूत कीजिए। मजबूत का तात्पर्य नहीं होता है कि हम बंदूक उठाए, मजबूत का तात्पर्य नहीं है किसी को बात करें, अपना शक्ति का प्रदर्शन करें। मजबूत का तात्पर्य है कि हम एकत्रित हो, अपनी बातों को रखें, अपनी बातों को समझें, और सबसे बड़ी बात है कि हम अपने सेकेंड जनरेशन जो हमारे युवा साथी है उनको नशा से दूर रखना है, उनको शैक्षणिक वृद्धि से बढ़ाना है, इस पर ध्यान देने का। हम लोगों के बच्चों में बहुत पोटेंशियल है। आपको मानना होगा कि क्षत्रिय संघ या क्षत्रिय संघ नहीं, पूरे राजपूत संगठन में आप देखिएगा ऐसे ऐसे दूर वीर बच्चे हैं, अगर उसको उसकी पोटेंशियल को बाहर निकाला जाए तो तूफान हो जाएगा, तूफान होगा सबको। लेकिन हम लोग कहीं कहीं इसमें चूक जाते हैं। अपने बच्चों पर हम लोगों को फोकस करना है, सेकंड जनरेशन को शैक्षणिक दृष्टि से मजबूत बनाना है, लेकिन शक्ति का गलत उपयोग हमको नहीं करना है। हमें ना किसी जाति से कोई बैर है, हम सभी जातियों को लेकर चलते हैं, सभी धर्म को लेकर चलते हैं, सभी धर्म पे हमारा विश्वास है, सभी देवी देवताओं पर हमारा विश्वास है, तब है कि हाँ हम वह हस्ते को जो छुएगा उसको हम छोड़ेंगे। ये परिस्थिति पैदा होना चाहिए, आपको छुएगा तो हम छोड़ेंगे। ये परिस्थिति तभी संभव है जब अपने अपना संगठन को हम मजबूत करें, संगठन को मजबूती तभी मिलेगा कि हम अपना सदस्य बढ़ाएं। मैं आप लोगों से अनुरोध एक रहेगा, अंत में ज्यादा समय नहीं दूंगा कि हमारे काफी वक्ता भी है और अच्छे अच्छे वक्ता है आपको बताने के लिए, और आज जोड़ने का समय नहीं था क्योंकि आज तो हम लोग लेटी खाने आए हैं, माताएं खड़ी है, साथ कुर्सी नहीं मिल रहा है, लेकिन इतना जरूर कहेंगे अंत में कि गोलगुरी सदस्य जो गोलगुरी मंडल के जो इकाई के माताएं बहने युवा साथी बुजुर्ग आए हैं, एक सदस्यता अभियान चलाए हम लोग और उसका एक टाइम लिमिट करें। पदाधिकारी भी हैं, उपस्थित है बचाओ की पूरी टीम, संदीप की पूरी टीम की एक सदस्यता अभियान ये जनवरी से मार्च तक में कितना संख्या अपना सदस्य को बढ़ा सके। देखिए उसको जरूरी नहीं है कि आपका सामर्थ्य की बात है, आपका सामर्थ्य 50 रुपया है तो 50 रुपये दीजिए, आपका सामर्थ्य 10 रुपया है तो 10 रुपये दीजिए। जरूरी नहीं है कि आप बहुत बड़ी संख्या में बहुत बड़ा धनराशि इकट्ठा करें,
उसका उद्देश्य सिर्फ यही उद्देश्य रहेगा कि आप एक लिस्ट आउट हो जाएंगे कि हमारे ये एरिया में इतने अपने अपने सदस्य उपस्थित है। तो मेरा आप सबों से अनुरोध रहेगा, ये आग्रह रहेगा, नम्र निवेदन रहेगा कि आप सदस्यता अभियान में अपनी भागीदारी करें। अंत में मैं अपने ओर से बच्चा जी संदीप और पूरी टीम को आपने इतना अच्छा आयोजन किया है और ये आयोजन निरंतर चलता रहे। जहाँ तक हमारी व्यक्तिगत का बात है, मैं आप लोगों के साथ हूँ, कंधे से कंधे मिला के चलूंगा। अपने आप 12 बजे मैं याद करूंगा, मैं आपके साथ उपस्थित रहूंगा। इन सब से अपनी वाणी को विराम देते हुए गोलमुरी इकाई के सभी सदस्यों के भविष्य उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भारत।